हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका साहिबाबाद में, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से दिल्ली मेरठ RRTS के ऊपर काम किया जा रहा है। और आज जो दिखाने वाला हूं वो दिखाने वाला हूं 17 किलोमीटर का हिस्सा जो कि NCRTC और उनकी टीम बना रही है। वैसे तो ये 17 किलोमीटर का नहीं है, 82 किलोमीटर का है, लेकिन अगले साल यानी कि मार्च 2023 से इसी 17 किलोमीटर हिस्से पे हमें और आपको ट्रेवल करने का मौका मिलेगा। तो आज इसी का काम दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कितना कुछ काम हुआ है इस फेज 1 पे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो ये है दोस्तों साहिबाबाद RRTS स्टेशन। दिल्ली मेरठ RRTS जो स्टार्ट होने वाला है अगले साल से, वो इसी जगह से स्टार्ट होने वाला है। और ये जगह आता है उत्तर प्रदेश में और कहते हैं इसे साहिबाबाद। और ये स्टेशन होने वाला है साहिबाबाद का। इस जगह पर अगर आप देखेंगे या फिर अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले कुछ महीनों से, तो इस जगह पर कार्य जो है वो अच्छा खासा किया है NCRTC और उनकी टीम ने। और अब ये जो स्टेशन का स्ट्रक्चर है वो दिखता है कि किस तरीके से हमें और आपको देखने को मिलेगा। और अब अगर आप देखेंगे तो स्टील का पूरा ये जो फ्रेम है इसको लगा भी दिया जा चुका है, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कवर करने का काम है ना वो भी किया जा रहा है जी। वैसे अगर आप देखेंगे तो आधे से ज़्यादा हिस्सा है वो कि कवर कर दिया जा चुका है, आगे का थोड़ा सा हिस्सा है जिसको कि इस वक्त पे कवर किया जाना है। इस तरफ आगे जाएंगे तो इस तरफ है गाजियाबाद, और अगर आप जाते हैं इस तरफ तो इस तरफ है दोस्तों दिल्ली, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है। दिल्ली के जंगपुरा से ये स्टार्ट हो रहा है और ये इस तरफ जाएगा आगे मेरठ की तरफ। पूरा 82 किलोमीटर लंबी परियोजना है। पूरी जो परियोजना है वो स्टार्ट होगी 2025 में, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन का काम देखोगे तो ऐसा आपको यकीन हो जाएगा कि ये 2024 में भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इस स्टेशन के ऊपर बात करते हैं। स्टेशन पे अगर काम की मैं बात करूं तो अगर आप देखेंगे तो सिविल वर्क का जो काम है स्टेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर वो पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर पेंट करने का जो काम है वो किया जा रहा है और वो कर भी दिया जा चुका है। यहाँ पर देखेंगे तो स्टेयर्स भी बना दिए गए हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो स्टेशन का भार है, इसको अब प्लेटफॉर्म के हिस्से से कनेक्ट भी कर दिया जा चुका है क्योंकि सीढ़ियां जो बन चुकी है। तो कार्य वाकई में यहां पर अच्छा खासा हुआ है। और अगर इस जगह पर ड्रोन शॉट अगर आप देखोगे तो आपको इस देश का भविष्य नजर आएगा जो कि बहुत ही उज्ज्वल है। ये देखिए, ये एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर के ऊपर से होकर गुजरती हुई गाड़ियां, और यहां पर अगले साल से आपको NCRTC की ये जो ट्रेन है वो दौड़ती हुई दिखेगी जी, जिसमें हम और आप ट्रेवल भी कर सकते हैं। वैसे इस जगह पर अगर बात करो तो कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। तो नीचे अगर आप ये जो रोड देखोगे ना, इस रोड को भी यहाँ पर बनाया गया है जी, नया ब्लैक टॉप का पूरा काम किया गया है। तो अगर आप साहिबाबाद में आते भी हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि नया ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया गया है। डिफरेंस आपको बहुत ही क्लियरली दिख जाएगा, वो वाला हिस्सा क्योंकि अभी नया बना है तो एकदम पूरा ब्लैक दिख रहा होगा, ये वाला थोड़ा सा आपको व्हाइट दिख रहा होगा क्योंकि वो पुराना ब्लैक टॉप का काम है। तो इस जगह पर रोड बनाने का जो काम है वो भी किया जा रहा है, लेकिन इस रोड वाले हिस्से पे बात नहीं करने वाले हैं, बात तो इसके ऊपर करने वाले हैं, इस दिल्ली मेरठ RRTS के ऊपर। तो चलिए साहिबाबाद से लेकर आपको चलता हूँ गाजियाबाद तक, और गाजियाबाद से लेकर चलता हूँ आपको गुलधर तक, और गुलधर से लेकर चलता हूँ आपको दुहाई तक, जहां तक फेज 1 में ट्रेन चलाने वाली है NCRTC। और इस पूरे 17 किलोमीटर का आज हम और आप मिलकर काम देखते हैं। वैसे मैं बताऊं तो सिविल का काम थोड़ा सा किया जा रहा है, लेकिन इस स्टेशन के हिस्से पे नहीं। और आप स्टेशन को जो कनेक्ट करेंगे उसके लिए सीढ़ी बनाई जा रही है, वो अगर आप देखोगे तो आगे यहाँ पर टीम काम कर रही है ताकि सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई जा सके, जिसकी मदद से हम और आप स्टेशन तक आसानी से कनेक्ट कर सके। इस तरफ भी सीढ़ियाँ बनाने का जो काम है किया जाएगा, तो दोनों तरफ से आप इस जगह पर, इस स्टेशन पर कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आप गाजियाबाद से आएँ या फिर अगर आप आते हैं दिल्ली की तरफ से, तो बड़े आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर दोनों तरफ से कनेक्टिविटी यानी कि सीढ़ियों को बनाने का काम किया जा रहा है। चलिए हम और आप जरा और भी आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस पर कितना कुछ काम हुआ है।
पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में अच्छी खासी बारिश हुई है, उसके बाद का नजारा बड़ा ही कमाल का है, क्योंकि पॉल्यूशन का नामो निशान है नहीं। तो देखिए क्या अद्भुत दृश्य है इस जगह पर। वैसे अगर आप देखोगे ना तो इस पूरे 70 किलोमीटर अलाइनमेंट पे ज्यादातर जो काम रह रहा है ना वो स्टेशन के ऊपर ही रह रहा है। अदरवाइज अगर आप ये एलिवेटेड पार्ट जहां पर ट्रैक डालने का काम रह रहा है, जहां पर जिधर से ये लाइन होकर गुजर रही है उस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहां पर ट्रैक भी डाल दिया जा चुका है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के ये जो खंभे लगाने वो भी लगा दिए जा चुके हैं, जो फोरहेड लगाए जाना है वो भी लगा दिया जा चुका है, बस यहां पर केबल वर्क का काम करना है जी। अब यहां से ये राइट की तरफ हो जाएगा ये लाइन, और राइट की तरफ होने के बाद इंडियन रेलवे की जो एक बिजी लाइन है उसको भी ये क्रॉस करेगा, और साथ ही साथ ये आगे जाकर एक फ्लाईओवर है उसको भी क्रॉस करेगा, और फिर गाजियाबाद का स्टेशन आ जाएगा। जो हिस्सा देख रहे हो ये अलाइनमेंट आ रहा है साहिबाबाद की तरफ से, और इस तरफ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन, और इस जगह पर ये जो फ्लाईओवर है और ये जो मेट्रो की लाइन है इन दोनों को क्रॉस करना है इसे, और इसी वजह से स्टील का स्ट्रक्चर इसके ऊपर डाला गया है ताकि इसकी मदद से आसानी के साथ यहाँ पर ये जो आरआरटीएस की लाइन है वो क्रॉस कर सके। तो पिछली बार यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था प्लेटफॉर्म के ऊपर, आज अगर आप देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर वो लगाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, इनफैक्ट तैयारी नहीं वो इंस्टॉल यहाँ पर किया जा रहा है। कंपनी जो इस जगह पर काम कर रही है वो है केईसी, और इनफैक्ट साहिबाबाद का जो स्टेशन अगर आप देखोगे तो उस जगह पर भी केईसी ही काम कर रही है। पिछली बार जो आगे वाला हिस्सा देख रहे हो उसको कनेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन इस बार उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है, कंक्रीट वर्क का जो काम है वो हो चुका है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको इस जगह का दिखाया था तो सिर्फ आपको पिलर्स दिख रहे थे, लेकिन आज अगर आप देखेंगे ना तो वो पिलर्स भी बनकर तैयार हो चुके हैं, पिलर के ऊपर जो प्लेटफॉर्म बनाना है उसका भी काम हो चुका है। इस जगह पर यहाँ पर ये जो मेट्रो लाइन को क्रॉस कर रहा है इसके ऊपर ट्रैक डालने का काम किया जा रहा है, यानी कि जो डाउन वाला साइड है उस पर ऊपर दिखेगा आपको ट्रैक डालने का काम, इस तरफ अभी ट्रैक डालने का काम वो नहीं किया जा रहा है। आपको इसके ऊपर एक व्हीकल भी दिखेगा जिसकी मदद से ना ट्रैक डालने का काम किया जा रहा है, और इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करोगे पिछले कुछ महीनों से तो यहाँ पर अच्छा खासा काम हुआ है। जी हाँ, बहुत अच्छा खासा काम। अगले महीने जब हम और आप इसका अपडेट देखेंगे ना तो इस पे जो स्टील का स्ट्रक्चर लगाना है ना तो उसका काम हो चुका होगा, यह इस बात को मैं भरोसे से कह सकता हूँ, क्योंकि जो एनसीआरटीसी की टीम है ना वो बहुत तेजी के साथ काम करती है। जब आप इस जगह पर आओगे ना तब आपको एहसास होगा कि वाकई में कितना विशाल स्ट्रक्चर है ये, बहुत ही बड़ा है ये स्ट्रक्चर। ये 17 किलोमीटर का हिस्सा है, 17 किलोमीटर हिस्से पे दो कंपनी काम कर रही है, और जिस किसी ने भी ये दिमाग लगाया है कि छोटे छोटे हिस्से में कॉन्ट्रैक्ट दिया करे कंपनियों को वो बहुत ही महान व्यक्ति होगा सच में,
क्योंकि इससे ना टाइम की सेविंग भी होती है, और जब दो कंपनियां एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर होती है यानी कि आसपास में ही होती है, तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है उन दोनों में। वो दोनों सोचते हैं कि कौन किससे जल्दी बनाकर तैयार कर दे और क्वालिटी भी इंश्योर करनी होती है। तो ये बहुत ही सही कदम उठाया है। जी हाँ, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको आरआरटीएस में नहीं देखने को मिलता, अब तो आपको एनएचआई की प्रोजेक्ट में भी देखने को मिलता है। बहुत ही शानदार है ये सच में। पैकेज वाइज इसे डिवाइड करते हैं और उसके बाद अलग अलग कंपनियों को दे देते हैं। देख रहे हो, अभी तो इतनी जल्दी काम कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पर देखोगे तो ये जो लंबे लंबे आपको पिलर दिख रहे ऊंचे, ये जो आपको ऊंचे ऊंचे पिलर्स दिख रहे, इन पिलरों को बनाया है कंपनी एप्को ने। जी हाँ, क्योंकि यहां से एप्को का काम स्टार्ट हो जाता है और लगभग ये जो काम है ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस वाले हिस्से को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूं। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का मूवमेंट है, तो भाई मैं आपको बता दूं, इस पे सिर्फ ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हो ये लोकल ट्रैफिक है, मतलब आसपास का ट्रैफिक है। क्योंकि जिन लोगों को दिल्ली से मेरठ जाना होता था, जब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे नहीं बना था, तो इसी का इस्तेमाल करते थे। अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बन चुका है तो ज़्यादातर लोग, इनफैक्ट मोस्टली लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ट्रेवल टाइम बहुत ही कम उस पर लगता है। अगर वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे नहीं बना होता तो इस रोड पर कंस्ट्रक्शन करना कितना चैलेंजिंग हो जाता है एनसीआरटीसी के लिए। जी हाँ, और इसी नोट पे स्वागत है आपका गुलधर में। और गुलधर में अगर आप देखेंगे तो यहां पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है दोस्तों, वो आपको दिखेगा जो कि हो चुका है। जी हाँ, हो चुका है। और इसके ऊपर यानी कि प्लेटफॉर्म के ऊपर जो यहां पर सेट देना है जी, उसका भी काम हो चुका है। इनफैक्ट वो तो पिछली बार ही हो चुका था, है ना। ये देखिए, पूरी तरीके से स्टेशन इसका तैयार है, प्लेटफॉर्म भी इसका तैयार है। प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सेट देने का काम है वो भी यहां पर कर लिया जा चुका है। स्वागत है आपका दुहाई आरआरटीएस स्टेशन पे।
दोस्तों इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गाजियाबाद की तरफ देखोगे तो ट्रैक डालने का जो काम है वो कर दिया जा चुका है। इस तरफ अगर आप देखोगे जो मेन लाइन है ना उसके ऊपर भी ट्रैक डालने का काम कर दिया जा चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये होने वाला है वो लाइन जो कि आगे डिपो की तरफ जाएगा और इसके ऊपर अभी प्लेटफॉर्म का जो काम है वो किया जा रहा है, उसके बाद फिर इस पे ट्रैक डालने का काम किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा खासा रह रहा है जो कि यहां पर कंपनी को करना है, एप्को को। वैसे अगर आप देखेंगे जो मेन लाइन होने वाला है उस जगह पर अब स्टील का स्ट्रक्चर भी लगाया जा रहा है ताकि प्लेटफॉर्म के हिस्से के ऊपर जो सेट डालने का काम है वो किया जा सके और वही करते हुए आपको इस वक्त पे टीम भी नजर आएगी। वैसे इस दुहाई वाले स्टेशन पे देखोगे तो बहुत सारा काम अभी करना बाकी है और अभी तो यहां पर देखोगे तो जो सीढ़ियां हैं वो भी बनाई जानी है जिसकी मदद से हम और आप कनेक्ट कर सकते हैं इस स्टेशन पे। तो स्टेयर्स का भी अभी काम किया जाना है। इनफैक्ट जो यहाँ पर लाइन होने वाली है जो जाएगी डिपो की तरफ उसके ऊपर भी काम किया जाना है और इनफैक्ट आगे अगर जो मेन लाइन देखोगे उसके ऊपर भी काम यहाँ पर अभी किया जाना है। लेकिन आप अगर इस दुहाई स्टेशन पे आते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स और वो भी बहुत ही विशाल। आपको सच बताऊं तो फेज वन में सबसे क्रिटिकल जो जगह था कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो यही था दुहाई का जहां पर स्टेशन बनाया जा रहा है, क्योंकि इस जगह पर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा मकान से लेकर दुकान तक। इन सभी को हटाकर फिर उसके बाद यहां पर कंस्ट्रक्शन करना, इसी वजह से ना मैं सिविल इंजीनियर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि यार ये कुछ भी बना सकते हैं। जहां पर मेरे जैसे कॉमन लोगों को ये लगता था कि यार ये कैसे बनाएंगे ये यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, आज देखो पूरी तरीके से स्टेशन का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जो कि इन्होंने बना दिया है और बड़ा ही कमाल का दिखता है। अब ये इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ये जो लाइन जा रही है यही है डिपो की लाइन, जी हाँ। और राइट हैंड साइड वाला जो आप देख रहे हैं ये लाइन है मेन लाइन। और जरा इस जगह पर आप दृश्य देखिए, क्या अद्भुत दृश्य है यहां पर, क्या नजारा है। कर्व लेता हुआ यहां पर आरआरटीएस का लाइन जो कि डिपो की तरफ जा रहा है और स्ट्रेट आगे की तरफ जाता हुआ आरआरटीएस की मेन लाइन, दोनों आरआरटीएस की ही है भाई, है ना। दृश्य बहुत ही अद्भुत सा कमाल का लग रहा है यहां पर। अगर आज से 6 महीने पहले
अगर आप इस जगह को देखते हो तो शायद ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन आज जब अगर आप देखेंगे बहुत ही अद्भुत दिखता है ये। ये जगह है दुहाई का इंटरचेंज जो कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के ऊपर बनाया गया है, और ये जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है इसको भी इसे क्रॉस करना है इस दिल्ली मेरठ आरआरटीएस को, और इसी वजह से इस ब्रिज का निर्माण किया गया है जो कि आप इस वक्त पे देख रहे हैं। ब्रिज ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और इसके ऊपर फ्लोरिंग का जो काम है वो भी कर दिया जा चुका है। इस ब्रिज के आगे यानी कि इस तरफ अगर आप जाएंगे तो आप जा सकते हैं मेरठ की तरफ, और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर ट्रैक डालने का काम कर दिया जा चुका है। वैसे ये वाला जो हिस्सा है ये स्टार्ट होना है 2025 में, लेकिन इस तरफ जब आप जाएंगे तो आप जा सकते हैं साहिबाबाद की तरफ, आप जा सकते हैं गाजियाबाद की तरफ, और इस वाले हिस्से पे भी अगर आप देखेंगे तो पिलर को कनेक्ट करने का काम कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ ये कुछ पिलर्स हैं जिनको कि कनेक्ट किया जाना, और कुछ पिलरों को इसलिए कनेक्ट किया जाना है इसलिए इनका काम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि भाई यहीं पे ना ये जो ब्रिज आप देख रहे हो इसको असेंबल किया गया था, यानी कि इस जगह पर तैयार किया गया था और फिर उसके बाद पुल करके इस एक्सप्रेसवे के ऊपर डाल दिया गया था। अगर एक्सप्रेसवे के ऊपर पुल को बनाते, ये जो ब्रिज देख रहे हो आप, तो फिर क्या होता है एक्सप्रेसवे के ऊपर जो ट्रैफिक का मूवमेंट है उसको डाइवर्ट करना पड़ता। तो इसी वजह से एनसीआरटीसी ने ये निर्णय लिया कि पहले इस ब्रिज को बना लो और उसके बाद पुल करने के बाद इस जगह पर इसको इंस्टॉल कर दो। तो वो काम भी हो चुका है, वहां पर पिलर भी बना दिया है और अब जो आखिरी पिलर है उनको कनेक्ट करने का काम इस लॉन्चर की मदद से किया भी जा रहा है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और फिर हम और आप मिलेंगे अगले महीने इस परियोजना के ऊपर और देखेंगे कि कितना कुछ काम हुआ है इस दिल्ली मेरठ आरआरटीएस पे जो कि इस देश की सबसे पहली आरआरटीएस की परियोजना है। और हाँ, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप लोगों की बदौलत ही आपका ये जो चैनल है आरएस लाइव वो 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका है।